है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर सेंटर पर और कॉन्सेप्ट सर क्रिस्टल क्लियर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम लीडर होता क्या है, हम इसका मीनिंग, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिटीज और क्या स्किल्स चाहिए एक अच्छा टीम लीडर बनने के लिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे इस टॉपिक का नाम कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीम लीडर मीनिंग, जो टीम लीडर होता है नाम से पता चल रहा है, एक टीम होगी कुछ लोगों की और आप उसके लीडर होंगे। ओके, तो जो टीम लीडर होता है ये एक ऐसा शख्स होता है जो गाइड करता है और मैनेज करता है ग्रुप ऑफ पीपल को, ओके, कुछ लोगों की एक टीम को, ताकि वो अचीव कर सके अपने गोल को। अब टीम लीडर जो काम करते हैं उसमें ये टास्क असाइन करते हैं अपने टीम मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को टाइम टू टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कोई प्रॉब्लम्स सामने आ जाए तो उसको सॉल्व करने का भी ये काम करते हैं। हम कह सकते हैं जो एक टीम लीडर होता है वो इंश्योर करता है सब साथ में मिलकर काम करें, टीम मेंबर्स मोटिवेट रहें और डेडलाइंस खत्म होने से पहले अपने काम को पूरा करें। एक टीम लीडर अपनी टीम के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करता है अपना प्लान बताने के लिए और फीडबैक देने के लिए टीम मेंबर्स के काम पे, जिससे होगा क्या, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। नेक्स्ट आती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट, गाइड द टीम, आपको लीड करना है एंड सपोर्ट करना है टीम मेंबर्स को। असाइन टास्क, आपको काम को डिवाइड करना होता है टीम मेंबर्स के बीच में, किसको कितना काम देना है। सेट गोल्स, आपको टीम को बताना होता है कि उन्हें क्या गोल अचीव करना है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। मोटिवेट मेंबर्स, अगर आपकी टीम का जो मोरल है वो डाउन हो गया है तो आपको उन्हें टाइम टू टाइम इंकरेज करना होता है और इंस्पायर करना होता है अपनी टीम को, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। सॉल्व प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होता है एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होते हैं उनको क्विकली सॉल्व करना होता है। मॉनिटर प्रोग्रेस, आपको देखना होता है आपकी जो टीम है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ओके, टाइम टू टाइम। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देना होते हैं एंड उनके साथ अपडेट्स शेयर करना होते हैं, ओके। अपडेट्स से हमारा मतलब है जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड क्या आपको दिया जा रहा है ऑर्डर्स, ओके, आपके सुपीरियर्स के द्वारा, वो आपको अपनी टीम को बताना होते हैं। प्रोवाइड फीडबैक, टीम मेंबर जो भी काम कर रहे हैं उनके काम पे फीडबैक देना होता है, जिससे होगा क्या, उनका जो वर्क है वो इम्प्रूव होगा, ओके। बेसिकली उनके काम में प्रोडक्टिविटी आएगी अगर उनको पता हो उनका काम कैसा चल रहा है। ऑर्गेनाइज मीटिंग, आपको अपनी टीम के साथ मीटिंग करना होती है जिससे आप उनके साथ डिस्कस कर सकें, ओके, कि आपका काम कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी हम एड्रेस कर लेंगे। रिप्रेजेंट अ टीम, जब भी आप मैनेजर्स या फिर क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ओके, एज अ टीम लीडर, तो आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लास्ट आती हैं क्वालिटीज एंड स्किल्स। फर्स्ट, लीडरशिप स्किल्स, आपको गाइड करना और इंस्पायर करना अपनी टीम को। सेकंड, कम्युनिकेशन, आपको क्लियरली बात करनी होती है अपने टीम मेंबर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ, ओके। अगर वो कोई अपने आइडिया शेयर करना आपकी टीम मेंबर्स तो आपको ध्यान से उसे सुनना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर कोई भी इशू रेज होता है तो आपको उसका क्विक एंड इफेक्टिव सोल्यूशन देना होता है। टीम वर्क, आपको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना है, उनको सपोर्ट देना है। डिसीजन मेकिंग, आपको सही समय पे सही डिसीजन लेना होता है। टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम पे अपना काम पूरा करना होता है, डेडलाइंस खत्म होने से पहले आप अपना काम पूरा कर लें। मोटिवेशन, आपको मोटिवेट रहना है और अपनी टीम को भी इंकरेज करते रहना है टाइम टू टाइम, जिससे होगा क्या, वो अपने काम पे फोकस कर सकेंगे और अपना बेस्ट दे सकेंगे। एडेप्टेबिलिटी, जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से आपको एडजस्ट होना है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर किसी बात को लेके आपके टीम मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स में, ओके, वो एक बात पे सहमत नहीं हो रहे तो आपको उनकी बात सुनना है, उसका एक फेयर सॉल्यूशन देना है, ओके, बिना किसी पार्शियलिटी के। ऐसा ना हो आप एक मेंबर को तो फेवर कर रहे हैं लेकिन दूसरे जो मेंबर है टीम का उसको आप बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, ओके। एंड लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो भी टास्क दिए होते हैं उन्हें प्लान करना होता है और मैनेज करना होता है इफेक्टिवली। तो ये सारी क्वालिटीज और स्किल्स एक अच्छे टीम लीडर के पास होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।